तो अभी रात का टाइम है। हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और माऊ का अभी नीनी टाइम हो रहा है, तो इसलिए ये खुद के खिलौने खुद ही भर कर रख रही है। ये पूरा एरिया खिलौने से भरा था, अभी ये कलेक्ट करना स्टार्ट किया है इसने, भर के रख रही है। अभी भर कर ये फ्रेश होकर आएगी, फिर इसका नीनी टाइम होगा। अभी आता आता नीनी टाइम, आता ठेवायचं। नो स्टडी टाइम, आज तू झोपली नाही दिवसभर। हाय, आज आपने रात को भी ब्लॉग चालू किया। यस, मेरी मेरी बच्ची इतनी होशियार हो गई है, तो इसलिए ब्लॉग तो बनता है। और अभी हमने इसे सिखाया है खुद सब भर के रखने का, तो ये अभी रखना अभी भी स्टार्ट किया है इसने, 4-5 दिन पहले से। तो ये इस तरह से रखती है, तो सोचा मैंने कि आपको भी व्लॉग में दिखाऊं। देखो उधर ही बेटी स्टडी भी कर रही है, देखो होशियार बच्ची। ये थे माऊ, माऊ माऊ ये राहिले ना, ए ते सगळं कलेक्ट कर। ए बे इकडे आहे की इकडे पण माझ्याकडे घे, ते चल घे हो पिशवीत सगळं उचलून ठेव, झाडू पण मार। पहिला स्टडी करना, गुड गुड गुड, व्हेरी गुड। पण घे जागे पण गे। अच्छा अच्छा, सॉफ्ट टॉय वहां पर, गुड सॉफ्ट टॉय उसकी जगह पर। और हाँ, अभी मेरी माऊ ने और एक काम किया है, देखा सब सॉफ्ट टॉय एक साइड में, देखो ना विवेक, सॉफ्ट टॉय अलग। तो इस बैग में एक सॉफ्ट टॉय था, तो वहां पर रख दिया उसने। अरे जी मिनी नहीं बस झाले, बसली ना बसली। वेक हेल्प माऊ, मैंने तो बाबा हेल्प, बाबा हेल्प। और मैंने आज कपड़े धोकर डाले हैं, और रात के समय स्टैंड में यहाँ पर रखती हूँ ताकि फैन की हवा से सूखते हैं। और ये विवेक के पैंट, आज बारिश है सुबह से, तो इसलिए कपड़े नहीं सूख रहे है। माऊ है पन माऊ ऐसे बैठे हो। और यार ये बुक सच्ची में पानी लगाने पर ही इसमें कलर आता है, ये दिखाती भी नहीं है। ये ही पंथ हो, वेरी गुड। हाँ, और मैं आपको माऊ की और एक बात बताती, ये जो सामान है ना, ये और ये बिग बास्केट का सामान है। तो ये पूरा एरिया बिग बास्केट का सामान आया था, पूरा भर गया था। तो माऊ ने एक एक चीज लेके जाके किचन में रखी और सही जगह पर रखी है। फ्रिज का सामान फ्रिज में, पेंट्री सब एक जगह गैस के नीचे, उसे सब पता है। एरियल की पाउडर कहाँ रखनी है, शैम्पू कहाँ रखना है, सोप कहाँ रखना है, सब पता है। तो उसने सब काम किया। और ये थोड़ा हेवी है इसलिए रख दिया उसने, राइस और वीट आटा है। और ये भी कुछ सामान है वो उसने रख दिया है, यहाँ पे भी बचा था कुछ। माऊ रखने जा रही थी लेकिन कुछ बचा था, मिल गया, फिर से खोला उसने, उसमें डाला, और अभी फिर से जिप लगा कर जा रही है। बाय बाय, ओके बाय बाय, खोल। हाँ चल, तुझे पिछवी गुंजा ठेव जा, अभी जाकर रख के आएगी बालकनी में। एवढा हेवी है, वेरी गुड, ठेवने। देखा तुम्हारा काम सारा उसने कर दिया, वो जगह पर रख के भी आई, कितनी हेल्पिंग है माऊ। थैंक यू। और आली तू, ये तो डको जरा। अरे बाप रे, डक 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 कशे दिसते पिलोम जा। थैंक यू माऊ, थैंक यू माऊ, थैंक यू माऊ। बाय बाय, ओके ओके, बाय बाय। अभी अभी गुड नाइट माऊ, गुड नाइट बोल। नोको वाइट, ये गुड नाइट को नोको वाइट बोलती है। ठेर दे। और मैं कुछ काम कर रही थी आज दोपहर से, तो इसलिए मैं बिजी हूँ, और मेरा अवतार कुछ इस तरह से हो गया है। और आज मुझे बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी आज दोपहर से, तो इसलिए आज कुछ व्लॉग शूट नहीं किया। और अभी रात का टाइम है, माऊ सब हेल्प कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट करके दिखाऊं। अभी टाइम है सोने का, तो अभी हम जाएंगे सोने। ये देखिए अभी जा रही है थोड़ी थोड़ी मेहंदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जा रही है मेहंदी।
निघाल लागले आता नाही रंगली पण आता निघते ती कारण काम करतो ना आपण पाण्यामध्ये त्यामुळे निघतो तो ये कुछ इस तरह का हाल है मेरी मेहंदी का। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं सोने और थोड़ा काम है और थोड़ा काम करूँगी एक आधा घंटा और काम है मेरा उसके बाद माओ तब तक फ्रेश होकर उसे सुला देंगे अभी क्योंकि उसका टाइम हो गया है और इसके बालों में थोड़ा ऑयलिंग भी करना है। हाँ तो एक ऑयल भी मैं लेके आई हूँ आज वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड है ना प्रिया उसने मुझे ये ऑयल सजेस्ट किया है माऊ के लिए क्योंकि माऊ के बाल जो है ना थोड़े से फ्रीजी हो रहे हैं आप देख सकते हैं देखिए इसके बाल थोड़े से भाग गए थोड़े फ्रीजी हो रहे हैं तो मुझे लगा कि शैम्पू से होते होंगे तो मैं शैम्पू चेंज करने की सोच रही थी उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ चिकू शैम्पू तो मैं सोच रही थी लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप ऑयल चेंज करके देखो मैं उसके लिए ममार्थ का ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑयल अच्छा है लेकिन पता नहीं मुझे अभी लग रहा है मेरे पास 2-3 बॉटल पड़े हैं अभी ममार्थ के लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही मैं सोच रही हूँ ये वाला यूज़ करके देखूँ क्योंकि उसने मुझे बताया है और उसे काफ़ी पता है इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि उसका भी चैनल है और वो सारे मतलब DIY वगैरह हर्बल चीज़ें ज़्यादा वो उसके चैनल पर वही वीडियो होते तो उनकी उनके चैनल का नाम है प्रिया DIY तो उन्होंने मुझे ये वाला ऑयल सजेस्ट किया है सरसों आमला केश तेल बादाम शक्ति तो इसलिए डाबर का है तो मैं ये लेकर आई हूँ अभी यूज़ करके देखूँगी माऊ पर और इसका रिजल्ट मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ये 500 ml की बॉटल है 150 rupees को है। आंवला तेल मैंने सुना था सरसों आंवला मैंने फर्स्ट टाइम सुना है मे भी होगा लेकिन मुझे उतना पता नहीं तो उसने मुझे कहा इसलिए मैंने लिया है अभी यूज़ करके देखती हूँ उसके बाद में इसका रिव्यू आपको बताती हूँ। और प्रिया को ज़्यादा पता है इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि वो तो उसकी बच्ची के लिए घर में ही तेल प्रिपेयर करती है लेकिन उसने वो भी मुझे DIY भी उसने बताया फिर कहा कि हो सका तो वो करो या फिर ये भी अच्छा है तो इसलिए मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। तो अभी करने जा रही हूँ माओ की ऑयलिंग तो माओ हाय कर तो अभी हम फ्रेश होके आए हैं बोलो फ्रेश होके आए अभी हम नीनी टाइम है हमारा नीनी करेंगे फ्रेशी फ्रेशी होके पहली टाइम ऐसा हुआ है कि ना दोपहर में सोई नहीं है दोपहर में अगर सो जाती है ना तो ये रात में लेट सोती है और दोपहर में अगर ये ना सोई तो 8-9 बजे सो जाती है लेकिन आज 10:30 बज गए लेकिन अभी तक सोई नहीं है तो अभी इसे आ रही है नींद झोपा लग ले मावड़ू ये मावड़ू ये सो रही है अभी तो सोचा कि थोड़ा ऑयलिंग कर देती हूँ धोए हो दीजिए बाबा क्या नीनी का नीनी नीनी आले माऊ तुला आता मम्मा मसाज करते मग अजून नीनी येईल तुला और आपको एक बात पता है माऊ मुंह में उंगली डालती थी ना दो बीच वाली तो जब से इसकी सर्जरी हुई है ना वो आदत इसकी छूट गई है तब से इसने मुंह में उंगली ही नहीं डाली है तो अभी ये देखिए उंगली डाल कर इसका हाथ देखिए किस तरह से हो गया था तो अभी मैं इसे डेली कोकोनट ऑयल लगाती हूँ तो उसे ना काफ़ी हद तक ये सूख चुका है अभी और जल्दी ये ठीक भी हो जाएगा तो माऊ अभी नहीं डाल रही है मुँह में तो ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि देखिए ना किस तरह से ये ना पूरा मतलब ऐसा रेड रेड हो जाता था जब डालती थी और ये जब तक मुँह में दिन भर तो डालती ही थी लेकिन जब तक मुँह में उंगली ना जाए तब तक वो सोती नहीं थी रात में भी तो ये एक अच्छा हो गया सर्जरी से जब इसकी सर्जरी हुई ना
उसके बाद में मैंने ये बहुत रो रही थी तब मैंने उसे कहा था कि तू मुंह में उंगली डालती है ना, इसलिए डॉक्टर काका ने तुम्हें बुबू किया है। तब तब से उसे लगता है कि मैं मुंह में उंगली डालूंगी तो डॉक्टर काका मुझे बुबू करेंगे, इसलिए वो मुंह में उंगली ही नहीं डाल रही अभी। नाउ नीनी टाइम, देखिए सो ही गई। चलो अभी मिलते हैं कल। तो चलिए अभी ये सो गई है, मुझे भी करना है हेयर ऑयलिंग, मैं भी हेयर ऑयलिंग करूंगी और सो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से, तो अभी मिलती हूँ सुबह, तब तक के लिए बाय। क्या कर रहे हो आप? अजवाइन वाटर बना रही हूँ। तो ये हमारा रात का आखिरी काम होता है, बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और अभी नहा धोकर जाएंगे हम मुलुंड। बाल मैंने ऑयलिंग की है इसलिए ऐसे लग रहे हैं, और मैं बाल नहीं धोऊंगी क्योंकि जब भी बाहर जाना होता है और बाल धोती हूँ ना तब मेरा हेडेक होता है, तो इसलिए आज तो बाल नहीं धोऊंगी, आज मैं ऐसे ही चप्पू चप्पू चली जाऊंगी। माऊ ने भी हेयर ऑयलिंग की और रात में हेयर ऑयलिंग करते करते सो गई। हाँ अच्छा, नहीं हाथातला दाखो, हाथातला दाखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काय? बिस्किट बिस्किट। सुबह सुबह टॉशी मांगती रहती है, ब्लैकमेल करती है हमें, जेम्स या फिर टॉशी चाहिए होती है तो मैं उसे कहती हूँ पहले पानी पी फिर दूंगी, फिर ये लालच में पानी पीती है तो हम इसे देते हैं बिस्किट। अरे चुपचाप खाती है। डुबू 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 क्वेश्चन मार्क आया माओ तो क्वेश्चन मार्क है इस ले ले क्वेश्चन मार्क। तो चलिए फटाफट से अभी नहा धोकर रेडी होते हैं, माओ को भी नहलाना है, अभी सबका नहाना बाकी बाकी सब हो गया है, नहाकर रेडी होकर चलते हैं मुलुन। आज वहाँ पर थोड़ी सी करनी है क्लीनिंग इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं वहाँ पर आजकल ज़्यादा जाती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों यही दो रो चले जाते हैं। मेरा यहाँ पर कुछ ना कुछ काम होता है तो मैं सोचती हूँ अगर ये दोनों वहाँ चले गए तो मेरा यहाँ का काम हो जाएगा, लेकिन आज चली जाती हूँ मैं भी क्योंकि मुझे करनी है वहाँ पर क्लीनिंग। लायन ने लायन देखा आपने, ल की जगह व यूज करती है, बोल लायन। हाथी आणि काय म्हणायचं एलिफंट, एलिफंट। माव हे कोण आहे? बेबी डक। बेबी डक ओके करतो कसा तो? आणि हे कोण आहे? बीबी डक। हा कोण आहे? बीबी डक। हा कोण आहे? बीबी डक। बेबी डक कसा करतो? क्वाक क्वाक। कसा करतो? क्वाक।